फाइनली कार के अंदर 1 लीटर का पेट्रोल जा रहा है। ये मॉडिफाइड गियर रॉड देखिए कितना बड़ा है। साउंड सिस्टम JBL का साउंड सिस्टम है पीछे देखिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग होने जा रहा है जो मैंने बोला था आपको, मारुति 800 मॉडिफाइड, उसके अंदर माइलेज टच का वीडियो करेंगे। तो अभी उसी का वीडियो निकालने जा रहा हूँ माइलेज टेस्ट का। ये देखिए 1 लीटर बॉटल भी लेके आया हूँ नीचे, मेरा फ्रेंड आया है नीचे, उसके पास ही जा रहा हूँ। तो ब्लू कलर की मारुति 800 मॉडिफाइड, उसमें अभी हम करेंगे माइलेज टेस्ट। तो वो वहाँ पर रुका है। तो ये देखिए यहाँ पे वेट कर रहा है मेरा दोस्त। तो चलो जल्दी जाते हैं, इस पर माइलेज टेस्ट का वीडियो करते हैं। तो पेट्रोल डालने आए हैं यहाँ पे, पेट्रोल डाल के निकलेंगे वीडियो बनाने। तो फ्रेंड्स, अभी कार के अंदर थोड़ा बहुत पेट्रोल है तो पेट्रोल में घुमा के ख़त्म कर रहा हूँ। जैसे पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम जो मैंने 1 लीटर का पेट्रोल था जो लिया है वो उसके अंदर भर के हम देखेंगे कि कितना दे रहा है माइलेज। अभी फ़िलहाल तो हम AC ऑन करके रखे हैं, इसके अंदर जो पेट्रोल हो जल्दी ख़त्म होना बोल के। और पीछे भी पेट्रोल लेके रख लिए, एक 2 लीटर का बॉटल भी लेके रख लिया इन केस अगर हो गया तो स्पेयर के लिए। और ये है 1 लीटर का बॉटल, 2 लीटर का और 1 लीटर का बॉटल लेके रख लिए। तो चलो चेक करते हैं इसके अंदर जितना पेट्रोल है। तो जितना पेट्रोल है उतना पेट्रोल अभी ख़त्म करते हैं, उसके बाद मैं आपको वीडियो ऑन करके बताऊंगा, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए पेट्रोल हो गया है, शायद कार रुक गई है। तो एक बार फिर से चालू करके देखते हैं कार चालू हो रही कि नहीं, लेट्स चेक। चालू होकर रुक गई, फिर एक बार ट्राई करते हैं, बस 2 बार ट्राई करते हैं, चालू नहीं हुई तो हम 1 लीटर का पेट्रोल डाल लेंगे इसके अंदर। नहीं हो रही है चालू, लास्ट एक बार ट्राई करते हैं, नहीं। ओके, तो फ्रेंड्स पेट्रोल फाइनली ख़त्म हो गया है। तो मैं आपको मीटर बताता हूँ कितना है इसका। ये देखिए पीछे मीटर देखिए, गणपति बप्पा, ये देखिए मीटर 529190 है। तो अभी पेट्रोल डाल के चेक करेंगे कितना किलोमीटर देगा, ठीक है। तो चलो जल्दी से जाके पेट्रोल डालते हैं 1 लीटर का। तो फाइनली कार के अंदर 1 लीटर का पेट्रोल जा रहा है। लीटर पेट्रोल फाइनली, 1 लीटर का पेट्रोल हमने कार में डाल दिया। तो चलो अभी चेक करते कार कितना माइलेज दे रही है। जब तक कार के अलाउबल्स देख लीजिए आप, फिर आपको एक और अच्छे से वीडियो निकाल के बताऊंगा। तो फ्रेंड्स कार चालू हो गई है, देखिए मैं आपको फिर से मीटर बता देता हूँ कितना है। देखिए 529190। तो इस टाइम पे हमने 1 लीटर का पेट्रोल डाला है, तो लेट्स चेक अभी कितना देती है माइलेज। चलो सो फ्रेंड्स, मैंने जो है ये पेट्रोल का टेस्टिंग ऐसे छोटे छोटे एरियाज में, जो छोटे मेन रोड्स रहते हैं वहाँ पे किया, और थोड़े बड़े मेन रोड्स पे किया, और छोटे छोटे गलियाँ रहते हैं वो गलियों में भी मैंने कार घुमाया। तो ऑलमोस्ट समझो सिटी राइड, समझो ट्रैफिक में भी मैं ऑलमोस्ट ट्रैफिक से ही आ रहा हूँ इससे पहले, तो ट्रैफिक में भी चला लिया, तो छोटे मोटे गलियों में भी चला लिया और छोटे रोड्स पे भी चला लिया। तो ये बस सिटी का माइलेज हुआ है इसका, हॉर्न भी अच्छा है। तो सिटी का माइलेज में हमें कितना देगा देखेंगे कितना देगी माइलेज ये। और ये छोटे छोटे गलियों में रोडों पे, लेट्स चेक। अभी तो ऑलमोस्ट 6-7 किलोमीटर कुछ घूम लिया है शायद,
जब कार रुक जाएगी तो मैं आपको रोक के बता दूंगा कि कार ने कितना माइलेज दिया है 1 लीटर के पेट्रोल पे, ठीक है? इन सब ट्रैफिक में कार का माइलेज टेस्ट हो रहा है मारुति 800 का, तो एग्जैक्ट माइलेज पता चल जाएगा कि ये ट्रैफिक में कितना दे रही है, सिटी में कितना दे रही है। मेन लाइक सब लोग ऐसी गलियों में या शॉप के लिए, दुकान पे, वहाँ पे लाइक छोटे मोटे काम के लिए तो निकालते होंगे ना कार 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर रेडियस के अंदर, तो मैं उसी रेडियस के अंदर कार का माइलेज टेस्ट कर रहा हूँ। 10-15 किलोमीटर के अंदर ही घुमा रहा हूँ सिटी के अंदर ही, तो उसका बेस्ट रिजल्ट आएगा अभी कि माइलेज कितना दे रही है। तो आपको इसका माइलेज टेस्ट अगर आपको एसी के साथ करवाना है तो मुझे कमेंट करिए, तो इसका नेक्स्ट वीडियो में माइलेज विद एसी ऑन करके हम इसका माइलेज टेस्ट चेक करेंगे कितना दे रही है। अभी फिलहाल तो विदाउट एसी का चेक कर रहे हैं, बिना एसी का।
डे पूरे गलियों में घुमा रहा हूँ मैं ज़्यादा, गली इन द सेंस नॉट छोटे गलियाँ भी नहीं है, मेन रोड ही है ये। किया है कार लेकिन कार ऑन नहीं हो रही है, फिर से एक बार ऑन करके आपको बताता हूँ। देखिए देखिए मैंने कार ऑन किया, ऑन हो रही है और देखिए रुक गई। तो दो बार ऐसे ही रुक गई थी, फिर एक बार चालू करके बताता हूँ आपको। बस थोड़े सेकंड्स के लिए चालू हो रही है, उसके बाद फिर रुक जा रही है। देखिए पूरा कार वाइब्रेट हो रहा है, मिरर भी देखिए रुक गई। तो फाइनली कार ने 1 लीटर में कितना पेट्रोल दिया देखिए, फिर से आपको मीटर बता रहा हूँ, आप देखिए अच्छे से। पहले वाला जो मैंने वीडियो लिया था उस टाइम पे ये मीटर कितना था और अभी कितना है देखिए। इसको इस कार को मेरे ज़ेन के जैसे वो बटन टाइप नहीं है, ज़ेन में वो रहता था मीटर ज़ीरो करते थे, तो इस मॉडल में नहीं है वो। तो इस मॉडल में हमें ऐसे ही माइलेज चेक करना होगा। तो 52926 मतलब 910 था शायद वहाँ पे, पहले मीटर में देखना होगा वो वीडियो में कितना था। तो 926 का मतलब कार ने कितना पेट्रोल कितने का माइलेज दिया, 16.7। तो 16 लीटर्स का कार ने माइलेज दिया मारुति 800 2006 मॉडल। तो फ्रेंड्स कार ने 16 का माइलेज दिया, 16.7 1 लीटर के पेट्रोल में। और देखिए मैं आपको मेरा ये कार का एक बार इंटीरियर बता देता हूँ। ये देखिए अंदर सीट, ये पीछे 2 लीटर का पेट्रोल मैंने स्पेयर रखा है, कितना क्लीन है देखिए, नीट मेंटेन किया है मेरे फ्रेंड ने कार। मैं आपको बाहर से भी एक बार बता देता हूँ। और ये गियर रॉड देखिए मॉडिफाइड करवाया है उन्होंने, ये मॉडिफाइड गियर रॉड देखिए कितना बड़ा है, ऊपर तक आता है, हाथ आराम से गियर चेंज कर सकते हैं। और मैं बताता हूँ इसने और क्या क्या मॉडिफिकेशन किया, चलो मैं आपको कार उतर के बताता हूँ। तो ये देखिए कार क्या लग रही है यार, कार देखिए, अलॉय व्हील्स देखिए, बस आप अलॉय व्हील्स देखते ही फिदा हो जाना कार को। और ये देखिए कार के ऊपर इसने नाम लिखवाया है ब्लू पैंथर, ब्लू पैंथर। ये कार का वो साइड का लुक बता देता हूँ आपको। और ये उसने रिसेंटली अलॉय व्हील्स के पीछे लाल कलर का पेंट डलवा रखा है उन्हें, उससे का लुक बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर आपके पास भी कोई अच्छी कार है ऐसा तो आप उसके पीछे ये करवा सकते हो। तो ये देखिए कार है कुछ ऐसी है मेरे फ्रेंड की। तो फाइनली इसका माइलेज टेस्ट का वीडियो भी हो गया है, अभी नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर हम एसी ऑन करके
माइलेज टेस्ट करेंगे कि कितनी दे रही है, ठीक है। तो बिना एसी के तो ये 16.7 का इसने माइलेज निकाला, क्योंकि मॉडिफाइड है तो थोड़ा बहुत पिकअप ज़्यादा रहेगा करके माइलेज कम दिया। मेरी जेन की तरह नहीं है, मेरी जेन मॉडिफाइड नहीं है, नॉर्मली कार है वो। बस अंदर मैंने सीट लेदर्स, साउंड सिस्टम वो बस एक ही चेंज करवाया, और एक पीछे स्पॉइलर इंस्टॉल करवाया मेरे जेन में, बस उतना ही। अंदर से वो एकदम नीट एंड क्लीन है, तो इसलिए वो माइलेज बहुत अच्छा दे रही है। और ये देखिए इसका स्पॉइलर। और मैंने आपको बताना भूल गया, मेरी जेन रिसेंटली कोल्हापुर के राइड में 7000 का पेट्रोल हुआ मुझे, पूरा ओवरऑल 7000 पेट्रोल और माइलेज 20 का माइलेज दिया है जेन ने। कितने किलोमीटर देखिए, अप एंड डाउन 1280 किलोमीटर को छुआ है, आना जाना हैदराबाद टू कोल्हापुर और कोल्हापुर से बैक हैदराबाद। तो 7000 का पेट्रोल में मैं कोल्हापुर जाके आ गया। ये देखिए इंटीरियर, और मेरा फ्रेंड ने इसके अंदर पीछे साउंड सिस्टम, JBL का साउंड सिस्टम है पीछे देखिए। और इसने इसके लिए अलग से एम्प भी इंस्टॉल करवा रखा है, जो कि मैंने मेरे जिन में एम्प इंस्टॉल नहीं करवाया था। मेरा विद एम्प है जो मेरा साउंड सिस्टम है, ऊफर विद एम्प है, इसका ऊफर अलग है और एम्प अलग है। तो इसका मैं आपको साउंड भी सुना देता हूँ एक बार। ये देखिए इंटीरियर सुनाता हूँ, चलो। तो यार देखिए इसने ये भी ताकत मॉडिफाई करवाया है। ये देखिए छोटे मोटे नन्नों बच्चों को देखिए, नन्हे बच्चों को, तकले बच्चों को। तो चलो आपको इसका साउंड सुनाता हूँ। तुमने साउंड सुना, पूरा सीट जो है पूरा वाइब्रेट हो रहा है साउंड को, एकदम क्लियर कट साउंड है। एम्प है तो ऐसे ही बहुत क्लियरली साउंड आएगा, मेरे इसमें एम्प नहीं है। साउंड तो बहुत मस्त आ रहा है, पूरा एकदम बेस क्लैरिटी आ रहा है, ट्रबल क्लैरिटी आ रहा है, जो भी है सब एकदम मस्त आ रहा है, क्लियरली आ रहा है एकदम साउंड। तो फ्रेंड्स तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो
तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब भी करिए और सपोर्ट करिए यार। और ऐसे ही मैं आपको बहुत सारे वीडियोस आगे लेके आने वाला हूँ, जो भी मतलब देखेंगे धीरे धीरे हमारे पास जो जो भी कार्स आएंगे उस कार्स के हम माइलेज टेस्ट करेंगे, बाइक्स के भी करेंगे, कार एंड बाइक्स बस उतना ही। तो अभी इसके अंदर जो मैंने 2 लीटर का एक्स्ट्रा पेट्रोल लिया था वो अभी पेट्रोल इसके अंदर फिल कर लेंगे क्योंकि कार चालू नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना, ठीक है। तो चलो कार में पेट्रोल डालते हैं 2 लीटर का और वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स कार के अंदर फाइनली 2 लीटर का पेट्रोल डाल दे रहा हूँ, तो वीडियो का एंड करने का समय हो चुका है। चलो बाय बाय, टेक केयर।